हाय, मेरा नाम दुर्गेश सिंह ठाकुर है। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ नोएडा। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल इम्पीरिया प्राइड विला के बारे में, जो ग्रेटर नोएडा सेक्टर 25 में है स्थित है। इसके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं बिल्डर फ्लॉप क्यों होते हैं और वो अपने क्वालिटी वाइज कंप्रोमाइज कहाँ करते हैं। देखिए, दो केस होते हैं, या तो बिल्डर के पास अपने लैंड नहीं होती है, या तो बिल्डर के ऊपर लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। बिल्डर के अपने लैंड ना होने की वजह से ऑटोमेटिक वो बाद लाइबिलिटीज पे ही चली जाती है। अगर लैंड पे लोन है, लैंड उनके नहीं है, मार्केट में नया नया ट्रेंड आ जाए, कुछ बिल्डर ऐसा कर रहे हैं कि उनके अपने लैंड नहीं है, प्रोजेक्ट को बनाते हैं और एक दो फ्लोर जिनका होता है, जिनकी लैंड होती है, वो उनको दे देते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इम्पीरिया के, इम्पीरिया प्राइड विला 100% पेड लैंड लेता है, तो इससे क्या होता है, लाइबिलिटीज कम हो जाती है और वो प्रोजेक्ट को अच्छे से बना के डिलीवर कर पाता है विथ क्वालिटी और कमिटमेंट के साथ। अदर जगह ये चीज नहीं होती। मैं आपके साथ इम्पीरिया की कैलकुलेशन शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। लास्ट में वीडियो आप लास्ट तक देखना ताकि आप सारी चीजें समझ पाए। इम्पीरिया प्राइड विला प्रोजेक्ट का नाम है। इम्पीरिया जो बिल्डर है, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल ये दोनों प्रोजेक्ट को बनाता है। 32 साल पुराना बिल्डर है। 27 प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी डिलीवर है इनके। 12% का आपको एश्योर रिटर्न मिलता है इम्पीरिया प्राइड विला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में जो स्थित है। रेजिडेंशियल में होता क्या है कि रेजिडेंशियल में आपको कभी एश्योर रिटर्न नहीं मिलता, मिलता है तो 203% केस में। कभी कभी कोई बिल्डर किसी ने ऑफर दे दिया तो ऐसे होता है। एश्योर रिटर्न आपको रेजिडेंशियल में नहीं मिलता है, आपको इम्पीरिया प्राइड विला पे आपको एश्योर रिटर्न मिल रहा है टिल डेट से। आज अगर आप बुक करते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं अपने, फुल डाउन पेमेंट देते हैं, फुल पेमेंट। रियल एस्टेट में डाउन पेमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है फुल पेमेंट उस फ्लैट की होती है, दूसरा होता है 10% 20%। मैं बात कर रहा हूँ फुल पेमेंट की। इम्पीरिया प्राइड विला के पास तीन सेगमेंट है, 1 BHK, 2 BHK और 4 BHK। 1 BHK में इनके 710 स्क्वायर फिट आता है, 2 BHK में दो आते हैं 900 स्क्वायर फिट और 1050 स्क्वायर फिट, 4 BHK में इनके पास आता है 2200 स्क्वायर फिट। मेन अट्रैक्शन पॉइंट, द बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट, उस F1 ट्रैक, जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए 20 मिनट की आपको ड्राइव करनी पड़ती है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलता है। दो एक्सप्रेसवे इसको कनेक्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, ईस्टर्न फेरी फेयर और यमुना एक्सप्रेसवे। 650 एकड़ का टेक जोन है, 22 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उसमें से तीन ऑपरेशन ऑलरेडी कर रही हैं, 9 आने वाली, 9 प्रपोज्ड है। नंबर एक जो तीन कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑपरेशन, उनके नाम है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नंबर दो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नंबर तीन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। 12% का आपको रेजिडेंशियल पे एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। 4 एकड़ का लैंड है इनका, फेज 1, टोटल 6 टावर हैं, टोटल 565 यूनिट है। 5 यूनिट इन द सेंस फ्लैट की बात कर रहा हूँ, 565 फ्लैट है, 280 फ्लैट ऑलरेडी सोल्ड आउट। पर स्क्वायर फीट का जो रेट आता है इम्पीरिया का, 5200 रुपए का। मैंने 1 BHK के कैलकुलेशन करके आपको बताई है, आप ऐसे 2 BHK और 4 BHK के भी कैलकुलेशन कर लेते, इसमें प्रॉफिट कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। टोटल 1 BHK की जो कॉस्ट आती है वो 36,92,000 आती है। मैंने टोटल कॉस्ट माइनस एश्योर्ड रिटर्न, देखिए आप मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, तो आपने जो 1 करोड़ का रेडी टू मूव फ्लैट खरीद लेते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद लेते हैं, दोनों में दो ही ऑप्शन होते हैं, या आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप रेडी टू मूव में जाते हैं, ये दो ही ऑप्शन होते हैं रेजिडेंशियल में। होता क्या है, पोजेशन के बाद आपको रेंटल मिलता है, तो अप्रिसिएशन तो मिलेगा मिलेगा, रेंटल मिलता है, लेकिन जो इम्पीरिया में आपका प्रॉफिट है
यहाँ पे आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। जब तक आपका प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। तो वो टोटल कॉस्ट जो है वो मैंने पूरा कैलकुलेट करके बाद में माइनस करके एक्चुअल फ्लैट की कॉस्ट निकाली। टोटल फ्लैट कॉस्ट माइनस एश्योर्ड रिटर्न 36,92,000 टोटल कॉस्ट आती है आपके फ्लैट की। आपको 14,72,320 रुपए का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा जो कि 40 किस्त में मिलेगा यानी 40 महीने। इसका पोजेशन आएगा जैन 2025 में, उस हिसाब से 40 किस्तें आपको मिलती हैं। ये 40 चेक जब आप बुक करेंगे पूरा डाउन पेमेंट देंगे 36,92,000 तो आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मैंने आपको अभी जस्ट 1 सेकंड पहले कंफर्म किया, 4 एकड़ का लैंड है। इनके जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ है, पोजेशन आएगा 2025 में। कॉन्फ़िगरेशन है 1 BHK, 2 BHK और 4 BHK। जो एश्योर्ड रिटर्न आएगा आपको जब आप 36,92,000 रुपए देते हैं तो आपको महीने का आएगा 36,733 रुपए इंटू 40 इक्वल आएगा 14,69,320 रुपए। ये आपको स्टार्ट हो जाएगा पर मंथ आएगा। ये आपको पर मंथ जब आता है तो इनका जो स्लैब है वो एक डाउन पेमेंट है, दूसरा है 60-20-20। ये इनके दो पेमेंट स्लैब हैं। देखिए होता क्या है कि आप जब कोई फ्लैट खरीदेंगे तो आपको एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलता है, तो आपको उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है जब आप बेचेंगे वो तो मिलेगा ही, जो आपको रेंटल मिलता है वो इसका अप्रिसिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो नंबर एक पे जाना चाहिए इस फ्लैट को, यहाँ पे आपको 14 लाख रुपए सीधे बच जा रहे हैं। जो आप 36 लाख रुपए दे रहे हैं इसे हम 14 लाख माइनस करेंगे तो 22,000 रुपए का आपको आता है एक्चुअल फ्लैट की कॉस्ट। तो 22 लाख जो एक्चुअल फ्लैट की कॉस्ट आती है जब आप बेचेंगे तो ये तो आपको 36 लाख, आप मान के चलिए मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जब तक ये बनेगा तो 36 लाख की जो फ्लैट कॉस्ट है ये हो जाएगी ऑलमोस्ट लगभग 52 से 56 लाख के बीच में। तो ये आपको मिलेगा, लेकिन 14 लाख अभी से आपको ये अप्रिसिएशन समझ लीजिए या आप उसका रिटर्न समझ लीजिए। उसके बाद जब ये बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारी 3 यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी हैं ये 3 से 4 किलोमीटर के पास हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो होता क्या है, जो बाहर से लड़के आते हैं पढ़ने के लिए वो अपने अपने कॉलेज के नियर बाई ही रहना चाहते हैं। मान लीजिए कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर किसी प्रोजेक्ट में किराया वहां का जो रेंटल है 1 BHK या 2 BHK का मान लीजिए 14,000, और अगर आप 20,000 में भी देते हैं तो यहाँ पे वो लेना इसलिए पसंद करेंगे कि वो अपने क्लास सही टाइम पे अपने क्लास जा सकते हैं और सारे अमेनिटीज आपके प्रोजेक्ट के अंदर हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, JP स्पोर्ट सिटी जो टोटल इनका है 5,000 एकड़ की लैंड है, 480 एकड़ केवल ग्रीन एरिया है। इन्होंने रेजिडेंशियल को केवल 775 एकड़ दिया कि आप रेजिडेंशियल डेवलप कर सकते हैं। उसमें इनके पास 8 एकड़ की लैंड है, 8 एकड़ फुली पेड है, 2014 में ये खरीदी गई थी। तो इससे आपको मिलता ये है कि आपको अप्रिसिएशन तुरंत मिल जाता है, आपको एश्योर्ड रिटर्न के होने की वजह से आपकी जो एक्चुअल फ्लैट की कॉस्ट आती है वो बहुत कम हो जाती है, इससे आपका प्रॉफिट अच्छा होता है। ये दोनों पॉइंट को फुलफिल करता है, इन्वेस्टमेंट और आप अगर यूज करना चाहते हैं रहना चाहते हैं तो दोनों जगह फुल बैठती हैं। आने वाले टाइम में एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जो हाई अप्रिसिएशन होगा वो इन प्रोजेक्ट पे होगा, क्योंकि वहां से एयरपोर्ट की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग आइए प्रोजेक्ट को विजिट करिए, विजिट करने के बाद इसे बुक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एश्योर्ड रिटर्न बहुत ही हाई अप्रिसिएशन मिलेगा। देखिए एश्योर्ड रिटर्न एश्योर्ड रिटर्न जो मिलेगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा वो भी आपको मिलेगा। तो दोनों मिला के आप प्रॉफिट में जाते हैं। निवेदन मेरा ये है कि आप प्लीज बुक करिए। मैं अपना फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप मुझे कॉल करके कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।